जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक विभाग में जो 58,189 पदों पर नई भर्ती आई है इसके बारे में बताएंगे कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए 58,189 जो सीट हैं यह सिर्फ ग्राम सभा के लिए है, यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम सभा हैं तो 58,000 प्लस है, जितना ग्राम सभा है उतनी सीट है, यानी प्रत्येक ग्राम सभा से एक का सिलेक्शन किया जाएगा। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वह 10वीं और 12वीं के मेरिट के आधार पर चयन होगा, यानी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट और इंटर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और जिसका जितना अधिक नंबर रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभा से सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा। यदि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रत्येक मंथ आपको 6,000 रुपया मिलेगा मानदेय के रूप में, यानी इसमें जो भर्ती की बात की गई है तो इसमें मानदेय की बात की गई नहीं कि गवर्नमेंट की बात की गई है। आपको लगभग साल भर तक 6,000 रुपया मिलेगा पर मंथ। बाद में इसकी प्रोसेस क्या होगी तो देखिए, अभी इसके पहले जो सफाई कर्मी की भर्ती थी वो भी ऐसे ही थी, तो बाद में क्या हुआ गवर्नमेंट हो गया, तो ये भी गवर्नमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे सिलेक्शन होगा। मान लीजिए आपके ग्राम सभा में जो सीट आया है उसी सीट का लड़का इसमें सिलेक्शन लेगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपके गांव में ओबीसी सीट आया है, ग्राम प्रधानी का जो अभी चुनाव हुआ है उसमें ओबीसी का सीट आया है और ओबीसी का ही तो कैंडिडेट जीतेगा, तो जो ओबीसी का सीट आया है तो इसमें एक पॉइंट और ध्यान देना है। ओबीसी में देखिए पुरुष देता है और महिला देता है, यदि पुरुष है तो पुरुष का ही सिलेक्शन होगा उस ग्राम सभा से और महिला है तो महिला का सिलेक्शन होगा, यानी ग्राम सभा में जो सीट आया है उसका ही सिलेक्शन होगा। तो मान लीजिए आपके ग्राम सभा में एसटी सीट आया है और एसटी सीट में पुरुष सीट आया है, तो जो इसमें सिलेक्शन लेंगे वो सिर्फ पुरुष ही लेंगे, महिला के लिए अलाउ नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ पुरुष ही सिलेक्शन लेंगे। यदि मान लीजिए आपके ग्राम सभा में एसटी सीट आया है और महिला सीट आया है, यानी एसटी में महिला आया है, तो यह जो फार्म है सिर्फ महिला ही भरेगी, यानी सिलेक्शन प्रोसेस किसका होगा तो सिर्फ महिला का होगा। और मान लीजिए कहीं पर जनरल सीट आ गया, मान लीजिए कि कहीं ग्राम सभा में है जो जनरल सीट आया है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो देख लीजिए। मान लीजिए जनरल सीट में पुरुष आ गया है तो उसमें क्या है कि देखिए जनरल भी फार्म भर सकता है, ओबीसी भर सकता है, एससी और एसटी, यानी कोई भी फार्म भर सकता है। जैसे ग्राम प्रधान में आप देखे होंगे कि जैसे जनरल सीट आता है तो कोई भी प्रत्याशी लड़ सकता है, जैसे मैं जनरल भी लड़ सकता है, ओबीसी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है और एससी भी, कोई भी लड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल सीट है वह सबके लिए अलाउ है। मान लीजिए आपके ग्राम सभा में जनरल सीट आया है और वहाँ का जो कैंडिडेट जो है प्रधान बन गया ओबीसी, तो क्या ये फिर ओबीसी का लड़का सिलेक्शन होगा उसमें? नहीं, कोई भी हो सकता है, जनरल यानी सबके लिए हो सकता है। तो यदि आप जनरल भी होंगे तभी फार्म भर दीजिएगा, ओबीसी होंगे तभी, और एसी या एसटी कोई भी होगा फार्म भर दीजिएगा। यह सिर्फ किसके लिए? तो सिर्फ जनरल के लिए, यानी जहाँ पर जनरल सीट होगा सिर्फ उसके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको सिर्फ बताए हैं कि जो पंचायत विभाग में भर्ती आई है इसके बारे में बताए हैं, इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया जो है स्टार्ट है, आप फार्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जहाँ पर जौन सा सीट है उसी कैटेगरी का फॉर्म जाना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जो भी फॉर्म भरेंगे वो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।